हेलो एंड वेलकम टू प्रॉप नेशन। आज का वीडियो राजनगर एक्सटेंशन में एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड है और ये बनी हुई है पाम रिजॉर्ट राजनगर एक्सटेंशन में। कुछ इस तरह से यहां पर आपको ये ओपन जिम बनाकर दिया गया है और ये है किड्स प्ले एरिया, बिल्कुल बराबर बराबर ही बने हुए हैं, यानी कि आप ओपन जिम करते हुए बच्चों की मॉनिटरिंग आराम से कर सकते हैं यहाँ पर। और इस प्रोजेक्ट में आपको काफी सारे आउटडोर इंडोर गेम्स मिल जाते हैं, काफी अच्छा डिसेंट जगह में फैला हुआ ग्रीन स्पेस मिल जाता है और लोकेशन वाइज ये राजनगर एक्सटेंशन में एकदम सेंटर में बना हुआ है। GDA से अप्रूव्ड है, यूपी रेरा में रजिस्टर्ड है और होम लोन्स भी आपको यहां पर इजीली अवेलेबल है। नेशनलाइज और प्राइवेट दोनों ही बैंक्स कैटेगरी में आपको यहां पर बैंक लोन अवेलेबल है। इस तरह से यहां पर ये पूरा ग्रीन बनाया गया है और कुछ सेक्शंस इसके डिलीवर्ड हैं जहां पर ऑलरेडी फैमिलीज रहती हैं और कुछ एरियाज यहां पर अभी ऐसे भी हैं जहां पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसे लोग जिनको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, एक बड़ी यूनिट तलाश कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो एक काफी हेल्पफुल वीडियो के तौर पे निकल कर जाएगा, क्योंकि जो यूनिट हमने आज इसमें फीचर की है स्पेस वाइज आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगी और प्राइस भी हम आपको इस वीडियो में एंड में जरूर दिखाएंगे। आप लोग वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, काफी लोग क्या करते हैं कि वीडियो को आधा देखकर बस सिर्फ उनका एक ही मोटिव होता है कि भैया इसका प्राइस हमें बता दो आप। तो प्राइस हमें बताने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सिर्फ प्राइस ही नहीं बाकी चीजें भी पता लग जाएंगी। तो कुछ इस तरह से आप वीडियो को देखा करें कि आपको पूरी जानकारी मिले, सिर्फ एक ही चीज की जानकारी आपको ना मिले। ये यहां पर एक काफी बड़ा सा ओपन स्पेस आपको मिल जाता है टावर्स के बीच में और ये है किड्स प्ले एरिया। ये एक डिफरेंट सेक्शन है, यानी कि यहां पर थोड़े से छोटे बच्चों के लिए ये किड्स प्ले एरिया बनाया गया है। तो दो जगह पर आपको यहां पर किड्स प्ले एरिया मिल जाता है। आज जो यूनिट आप देखने जा रहे हैं ये एक 2060 स्क्वायर फीट का 3 BHK विद स्टडी या सर्वेंट, जो भी आप इसको कहना चाहें या जैसे भी आप इसको प्रयोग करना चाहेंगे। कॉमन एरिया में यहां पर इन्होंने नीचे टाइल्स लगा कर दी हैं और एंट्री करने के बाद में आपको यहां पर ये इस तरह से एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है, यानी कि गेट पर खड़े हुए व्यक्ति को आपका सिर्फ एंट्रेंस लॉबी वाला सेक्शन ही नजर आता है। एंट्रेंस लॉबी से ही आपको एक्सेस मिल जाता है इस स्टडी रूम का। इस रूम के साथ में आपको एक अटैच्ड वॉशरूम मिलता है और साथ ही एक्सेस मिलता है एक बालकनी का भी, और ये बालकनी आप 3 जगह से एक्सेस कर सकते हैं, किचन, ड्राइंग हॉल और ये स्टडी रूम। यानी कि स्पेस छोटा है बट एक्सेस आपको 3 तरफ से मिल जाता है। ये इस स्टडी रूम के साथ में मिलने वाला अटैच्ड वॉशरूम है, बहुत ज्यादा बड़े साइज का नहीं है बट बाकी जगहों पर इसको कंपनसेट कर दिया गया है। ये ड्राइंग हॉल की तरफ से एक्सेस है इस बालकनी का और पर्टिकुलर इस यूनिट की बात करें तो बहुत ही अच्छे व्यूज ये यूनिट आपको ऑफर करती है। ये इसका ड्राइंग रूम वाला स्पेस है, सामने आप एंट्रेंस लॉबी भी देख सकते हैं और बालकनी का एक्सेस भी देख सकते हैं। इस तरफ आपको एक ग्लास एरिया विंडो मिल जाती है, वेंटिलेशन का अच्छा खासा प्रबंध यहां पर आपके लिए किया गया है। यहां से सेपरेट आपको मिल जाता है ये डाइनिंग स्पेस, डिसेंट साइज का आपको ये डाइनिंग एरिया मिल जाता है यहां पर, और इस तरफ आपको काफी बड़े साइज की किचन मिल जाती है जहां पर आपको जो ये टाइल्स कलरफुल आप देख रहे हैं थोड़ा डार्क कलर में, यहां पर आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। बीच में सामने डिश वॉशिंग के लिए प्रोविजन करके आपको दिया गया है
तो यू फॉर्मेट में आपको ड्यूअल काउंटर वाला यहां पर किचन मिल जाता है। वो बालकनी जो आपने स्टडी और ड्राइंग हॉल के साथ देखी है उसका एक्सेस आपको इस किचन के साथ भी अवेलेबल है और ये बालकनी एज अ यूटिलिटी भी आप प्रयोग कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं इस यूनिट का फर्स्ट बेडरूम। साइज वाइज आपको सभी जगहों पर काफी इंप्रेसिव स्पेस प्रोवाइड कराया गया है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। इस बेडरूम के साथ में आपको एक वार्डरोब का स्पेस मिल रहा है और एक अटैच बालकनी, साथ ही एक अटैच्ड वॉशरूम भी आपको यहां पर मिल जाता है। और यूनिट आपको बिल्कुल इसी कंडीशन में डिलीवर की जाती है, यानी कि कोई वुडवर्क आपको यहां पर यूनिट्स में करके नहीं दिया जा रहा है। काफी डिसेंट साइज का ये वॉशरूम है। आइए देखते हैं इस रूम के साथ में मिलने वाली बालकनी को। एल शेप में आपको ये बालकनी मिल जाती है। ऐसे लोग जो जल्दी शिफ्टिंग वाली यूनिट की तलाश में हैं, उनके लिए ये यूनिट काफी अच्छी रहने वाली है, काफी काम की रहने वाली है। ये यहां पर आपको मिल जाता है इस यूनिट का कॉमन वॉशरूम। ये लिविंग डाइनिंग के साथ में तो एक्सेस देता ही है आपको, साथ ही ये एक बेडरूम के साथ भी जुड़ा हुआ है जो इस यूनिट का सेकेंड बेडरूम है। यहां पर भी आपको स्पेस कम नहीं लगेगा, अच्छा खासा स्पेस आपको कॉमन वॉशरूम में भी मिल जाता है। आइए देखते हैं इसका सेकेंड बेडरूम। इस सेकेंड बेडरूम के साथ में आपको एक वार्डरोब, ये कॉमन वॉशरूम का एक्सेस और एक काफी बड़ी सी बालकनी मिल जाती है जो शेयर्ड है इस यूनिट के मास्टर बेडरूम के साथ में भी। और आप देख सकते हैं सेकेंड हाफ की बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली धूप आपको इस घर में मिलेगी। रूम्स के अंदर भी आपको धूप आती हुई दिख रही होगी। इस बालकनी को हम प्रॉपरली एक्सेस मास्टर बेडरूम के साथ करेंगे। कुछ इस तरह से ये सेकेंड और थर्ड बेडरूम अगल बगल बने हुए हैं। ये इसका थर्ड यानी कि मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम के साथ में भी आपको एक वार्डरोब, एक अटैच वॉशरूम और ये शेयर्ड बालकनी मिल जाती है। एग्जिट जो है इस यूनिट का, पर्टिकुलर अगर हम इसी यूनिट की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट में आप एग्जिट करते हैं इस यूनिट से। ये इस मास्टर बेडरूम के साथ में मिलने वाला अटैच वॉशरूम है, काफी बड़ा है साइज में। इसके अंदर ही आप ड्रेसर स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं वो बालकनी जो सेकंड और थर्ड बेडरूम के साथ में शेयर्ड है। काफी वाइड ओपन व्यूज आपको ये ऑफर करती है। काफी बड़ा स्पेस आपको इस बालकनी में मिल जाता है और सामने है इस प्रोजेक्ट का ये मेन पूल और इस तरफ है किड्स पूल, ये क्रिकेट नेट प्रैक्टिस का एरिया। तो किसी भी जगह में आप क्रैम्प्ड फील नहीं करेंगे, काफी अच्छा वेंटिलेशन, काफी अच्छी सनलाइट इस यूनिट में आपको मिलती है। ये स्क्रीन पर इस यूनिट का स्टार्टिंग प्राइस है। इसके अलावा आपको पोजीशन चार्जेस और रजिस्ट्री चार्जेस अलग से पे करने होंगे। ऐसा करने के बाद आप इस यूनिट को
शिफ्ट करने के हिसाब से ले सकते हैं। बहुत ज्यादा यूनिट्स इस साइज में अवेलेबल नहीं है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और यूनिट आपको पसंद आए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं इसका यूनिट प्लान। ये इस फ्लैट का यूनिट प्लान है। ये वाली लोकेशन पर हमने शूट किया है और ये है इस प्रोजेक्ट का साइट प्लान। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए। और यदि आपने ऐसा पहले ही किया हुआ है तो आपको ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।